गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 11 केवी सब स्टेशन। ये जो टॉपिक है सब स्टेशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से एक पेपर में क्वेश्चन पक्का आता है 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी और 132 केवी। एक क्वेश्चन वाले इसके अंदर से 40 मार्क्स का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है, बहुत आसान है। ये हमारी सप्लाई आई है 11 केवी की, फॉर एग्जाम्पल हमारी 11 केवी की सप्लाई है, एक सप्लाई जा रही है। इसके अंदर से हमने 11 केवी की लाइन ली। सबसे पहले हम इसके अंदर लगाते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर लगाने के बाद यहाँ पर हम इसके करते हैं अर्थिंग, इसको कहते हैं हम लाइटनिंग अरेस्टर। ये सिंबल बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटा, आइसोलेटर और लाइटनिंग अरेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर से करते रहना। इसके बाद से ये टॉपिक जाता है यहाँ पर हमारा, आगे जाएंगे। ये लाइन हमारी थ्री फेज, यहाँ पर हमने लगाया 11 केवी आउटडोर बॉक्स, यहाँ से हमारी सप्लाई होती है, यहाँ ये हमारी, यहाँ पर हम लगाते हैं सीटी, मीटरिंग सीटी। मीटरिंग यानी कि ये क्या काम करता है, वोल्टेज करंट को मेजर कर रहा है कि कितनी हमारी इसके अंदर सप्लाई आ रही है। मीटरिंग सीटी से हम ये जाकर सप्लाई की, ये हमारा जो बॉक्स है 11 केवी मीटरिंग इक्विपमेंट, मीटरिंग इक्विपमेंट नोट कर रहे हैं। इसके वजह से ये सप्लाई हमारी यहाँ से आई, ये हमने यहाँ लगाया पोटेशनल पीटी, पीटी मतलब पोटेशनल ट्रांसफॉर्मर। सप्लाई फिर वापस आई हमारी यहाँ से, हमने यहाँ से ये नीचे दी, ये सिंबल, ये होता है 11 केवी ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसके ये जो लाइन है हमारी, ये 3/1/2 कोर एचटी केबल है। कौन सी केबल करनी है, 3.5 कोर एचटी केबल। इसके बाद ये बॉक्स हमने बनाया जी, इसके अंदर हम करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। इस बॉक्स को कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या काम करते हैं, वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहे हैं, जो हाईवी वोल्टेज उसको इक्विपमेंट करेगा। इसके बाद हमने यहाँ पर लगा दी ये MCB, कौन सी MCB, 11 केवी MCB, 11 केवी MCB के बाद हमने ये जो लाइन, इसको कहते हैं हम LT बस बार। बस बार मतलब हमारी ये जो सप्लाई आई है, ये मेन लाइन से अंदर हमने 11 केवी ट्रांसफार्मर, 11 केवी सप्लाई स्टेशन पर लाने के लिए 11 केवी सप्लाई हमारी आ गई, ये आ गया बस बार। इस बस बार के अकॉर्डिंग मान लो एक हमारा एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर हमें 11 केवी की सप्लाई चाहिए, छोटा गाँव है उसमें आई ये जलाई, ये लाइन पहली लाइन, ये फॉर एग्जाम्पल हमारी सप्लाई की है हमारे GD कॉलेज में। सेकंड ये सप्लाई आई हमारी गुना में। थर्ड ये सप्लाई हमारी गई गली नंबर 5 में। फिर ये सप्लाई गई हमारी गली नंबर 6 में। ये हमारी सप्लाई गई किसी भी स्कूल में। फैक्ट्री में ये हमारा 11 केवी का सब स्टेशन है बेटा, इसको देखकर हमने काम करना है। ये सब स्टेशन के अंदर हमने ये देखना है कि ये सप्लाई आई है, सबसे पहले हमारा आइसोलेटर, फिर 11 केवी आउटडोर बॉक्स है हमारा, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेशनल ट्रांसफार्मर, 11 केवी सर्किट ब्रेकर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से पढ़ना है। ये इनमें से 11 केवी, 33 केवी, 66 केवी और 132 इनमें से एक पेपर में पक्का आता है। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई नोट्स आपको चाहिए और तो आप मुझे बताएं, फ़ोन करें मेरे नंबर पर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।